एस कल्याणपुर में बजट पर वार्ता की गई। वहीं किशोर छात्रों को देश की अर्थव्यवस्था, करदाताओं से एकत्रित धन का संतुलित वितरण, देश के विकास के लिए यातायात, शिक्षा, सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण विभाग का निर्धारण एवं खर्चों की व्यवस्था किस प्रकार निर्धारित होती है एवं देश के लिए बजट क्यों आवश्यक है, जिसमें नगर के गणमान्य अतिथि, नागरिकों के साथ साथ मुख्य वक्ता आई.आई.टी. कानपुर से प्रोफेसर सोमेश कुमार माथुर रहे, डी.पी.एस. कल्याणपुर की प्रधानाचार्य, जो स्वयं अर्थशास्त्र की शिक्षिका एवं एम.बी.एस. फाइनेंस है, डॉ. अर्चना निगम ने बताया कि आज के किशोर छात्र आने वाले समय में मतदाता व करदाता बनेंगे। इन्हें समय से देश की प्रगति विकास व विभिन्न मदों में होने वाले बजट से विकास की धारा का ज्ञान व जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। तभी देश की प्रगति की बागडोर सही हाथों में होगी। छात्रों के देश के विकास के प्रत्येक पहलू के लिए संवेदनशील बनाना ही डी.पी.एस. कल्याणपुर की शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य है। विद्यालय के प्रमुख छात्रों में दिविशा चोपड़ा, पावनी दुआ, अदिति राय, अदिति टंडन पैनलिस्ट, वाणी शाह, अल्याण फातिमा, अदिशी मेहरोत्रा, सिद्धार्थ महेश्वरी, कृषा गुलराजानी आदि रही। And that's the issue in your home also. If you tend to spend more than what you earn, then that is an issue. In India also, this is an issue. Your insights on the budget. He also gave us, he also in fact poured a lot of light on the very, very important aspects of the budget and basically how should we understand the budget. We understand the budget is just an estimate of your income and expenditure. And everything rests on what you are, what is coming as income and what you are spending. It was discussed and told that how we need to rationalize our spending and expenditure so that we don't fall short of the incomes. Because of the heavy price which you pay when you take the money in the form of loans. Also on all the yojanas, and I'm really, very happy the way the children have expressed their thoughts over the budget and the way they had discussed all the sectors, whether it was industrial, aviation, railways, tourism, sports, health, and whatever policies and all the yojanas which were associated with the different sectors they have thrown to light upon. Their understanding in a true manner when they explained what is fiscal deficit and the GDP and whatever things they had discussed when they were put to question, so they could explain it very well. I also warmly welcome the last year's CAPEX squad, Rajat and Ishita, thank you for being with us. And I think the legacy should move on, that in the next years to come, all our previous CAPEX squad members again are there to motivate their friends. So congratulations, children, for conducting this budget varta so successfully and talking on the important aspects of Indian economy. और हमारे
हमारे लिए मतलब डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। और आगे मतलब अब जो फाइनल बजट आएगा तो बेस्ड ऑन दैट तो फिर उसका इंटरप्रिटेशन। कोई चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे मैम? हमारे डॉक्टर माथुर आए थे, आईआईटी से प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, माथुर तो आए थे। उन्होंने भी बहुत अच्छे कुछ अपने चीज़ें बताई बच्चों को, बड़ी जो उनके लिए प्रैक्टिकली बड़ी यूजफुल है, रोज आए दिन काम आती है। मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि अगर इतनी छोटी एज में ये बच्चे सही डायरेक्शन में पकड़ लेते हैं तो इनको कोई भी चीज़, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम लाइफ में परेशान नहीं कर सकती। दे कैन ऑलवेज ओवरकम एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी विद कम अप्स। मेरा नाम दीक्षा चोपड़ा है, मैं डीपीएस कल्याणपुर स्कूल से हूँ। मैं 12th ग्रेड में हूँ और मेरी स्ट्रीम कॉमर्स है। आज बजट वार्ता 3.0 हुआ हमारे स्कूल में और उसमें हमने बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर बात करी, जैसे कि मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर बात करी, पावनी ने डिफेंस के ऊपर बात करी है, कृषा ने टूरिज़्म पर बात करी है, इसमें एग्रीकल्चर पर बात करी है, आलिया ने एजुकेशन और यूथ पर बात करी है। तो हमने आज काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स को बहुत ही अच्छे और डिटेल से डिस्कस करा ताकि हर स्कूल के बच्चों को नॉलेज हो कि क्या एग्जैक्टली गवर्नमेंट की इकोनॉमी की ग्रोथ है। मेरा नाम आदित्य टंडन है, मैं डीपीएस के जानकारी की 12th ग्रेड की साइंस स्ट्रीम से बच्ची हूँ। हम लोग आज सभी मुद्दों पर बात करी और साइंस साइड से होने का ये फायदा था कि मेरे को सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज में एक इकोनॉमी के बारे में भी पता चला, जो कि हम लोग अभी के सिस्टम में हम लोग एक तरह से पढ़ नहीं पाते, और एक बहुत इंक्लूसिव और बहुत होलिस्टिक वे से हम लोग की डेवलपमेंट हो। सिद्धार्थ महेश्वरी है, आज हमारे स्कूल में बजट वार्ता का आयोजन हुआ था, उसमें मैंने एविएशन सेक्टर के बारे में बात करी। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ और कॉमर्स स्ट्रीम से होने का ये फ़ायदा था कि मुझे सारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुई है ना, बजट कैसे काम कर रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं पहले से जानता था और उसको अच्छे से समझ पा। धन्यवाद। UP78 इंडिया न्यूज़ चैनल से रितेश कुमार।